दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में मॉस्को रशिया से। अगर आप मॉस्को में एक दिन के लिए आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या देखें क्या ना देखें, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके पास मॉस्को में खाली एक दिन है तो आप उस दिन को कैसे स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, टाइम हुआ है 9:30। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू एंजॉय ब्रेकफास्ट, रशियन ब्रेकफास्ट। सो गाइस अपना ब्रेकफास्ट आ गया है। ये है ब्लिनी, इसके बीच में है सैल्मन फिश, और ये है सिरेनिकी विद चीज विद कैरमेल एंड कैपुचिनो। रेडी? सो अभी हम ले रहे हैं मेट्रो एंड गोइंग टू द नंबर वन टूरिस्टी प्लेस इन मॉस्को, रेड स्क्वायर। और देखिए खोदनी रात मेट्रो स्टेशन से हम सीधा आ गए हैं रेड स्क्वायर की एंट्री पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं मॉस्को का सबसे पॉपुलर एरिया रेड स्क्वायर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सामने में, ये है स्टेट हिस्टोरिकल म्यूज़ियम, काफ़ी पुराना म्यूज़ियम है। इसमें अंदर जाने के लिए आपको चाहिए टिकट। और इसके बाद सामने में जो आपको दिख रहा है ये है कज़ान कैथेड्रल। देन यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट्स लगे हैं, ये खाली विंटर के टाइम में लगती हैं, यहाँ पे भी और उसके आगे भी। और यहाँ पे ये है स्कीइंग के लिए रिंग। तो सर्दियों में यहाँ पे रेड स्क्वायर में आके आप स्कीइंग भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे, आगे है यहाँ का सबसे मेन कैथेड्रल जिसका नाम है सेंट बेसिल्स कैथेड्रल। उसके लिए भी आपको टिकट चाहिए अराउंड 500 रूबल्स की। उसके इस तरफ अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे है क्लॉक टावर, और ये सामने में जो देख रहे हैं आप पिरामिड की शेप में स्टोन से जो बना है ये है लेनिन का मुजोलियम। तो लेनिन सोवियत यूनियन के सबसे पॉपुलर लीडर थे, रेवोल्यूशन के टाइम में वो हुआ करते थे, तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत है सोवियत यूनियन में। तो उनके शरीर को यहाँ पे रखा गया है, तो ये बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं। यहाँ जाने के लिए भी आपको टिकट चाहिए, अराउंड प्राइस है इसका 700 रूबल्स। और ये सारा जो आप देख रहे हैं ये वॉल्स हैं, और इसके इस पार है मॉस्को क्रेमलिन जहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन रहते हैं। और यहाँ आप जा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे कैथेड्रल हैं देखने के लिए, तो उसके अंदर जाने के लिए भी आपको चाहिए टिकट, और टिकट का प्राइस है अराउंड 750 रूबल्स। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेनिन, तो लेनिन के शरीर को यहाँ पर रखा गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर देखने आते हैं, आगे में टूर्स चल रहे हैं तो यहाँ पर दिखाएँगे। अभी टाइम की वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते, बट अगर आप रेड स्क्वायर आए हैं और आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए तो आपको सारे कैथेड्रल्स, लेनिन मुजोलियम और म्यूज़ियम देखना चाहिए। और गाइज अगर आप क्रेमलिन के बाहर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1941 to 1945, तो वर्ल्ड वॉर टू को रिस्पेक्ट पे करने के लिए, सोल्जर्स को रिस्पेक्ट पे करने के लिए यहाँ पर 24 घंटा आग लगी रहती है। और आप देखेंगे ये सोल्जर्स यहाँ पर एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहते हैं घंटों तक, जब तक उनको नेक्स्ट सोल्जर रिप्लेस करने नहीं आते। तो नेक्स्ट आएंगे ये भाई साहब, तो ये यहाँ का ट्रेडिशन है, दिन रात ऐसे ही रहता है, घंटों तक ये खड़े रहते हैं विदाउट हिले डुले, एकदम स्टैचू की तरह। और गाइस जैसा आप देख रहे हैं अभी टाइम हुआ है 12:30, तो हमने टाइम स्पेंड किया रेड स्क्वायर में 2 घंटा 10 मिनट। अगर आप सारे कैथेड्रल अंदर से देखना चाहते हैं, म्यूज़ियम और लेनिन का मुजोलियम, तो आपको रेड स्क्वायर में चाहिए पूरा दिन। बट सिंस वी हैव ओनली वन डे हेयर, तो हम जा रहे हैं अभी अगली डेस्टिनेशन पे जो है एक और कैथेड्रल वेरी नियर टू रेड स्क्वायर, लेट्स गो। ये है मॉस्को रिवर, तो हमें जाना है यहाँ से राइट जहाँ पे मिलेगा आपको सबसे बड़ा कैथेड्रल यहाँ का, कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर, बहुत ही ब्यूटीफुल कैथेड्रल है। और अभी हम रेड स्क्वायर की रोड क्रॉस करके आ गए हैं रिवर के पास। ये है मॉस्को रिवर जैसा आप देख रहे हैं, और अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल पड़ी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और ये देखिए अभी सर्दियाँ पूरी ख़त्म नहीं हुई हैं बट बोट्स यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बट ये इनक्लोज बोट हैं तो आप अंदर रह के व्यू ले सकते हैं रिवर से। सो अभी टाइम हुआ है अराउंड 12:48, तो रेड स्क्वायर से हमें इस चर्च तक आने को लगे अराउंड 18 मिनट्स, विच इज़ नॉट अ लॉट। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं ये कैथेड्रल, ये चर्च। तो ये है कैथेड्रल जिसका नाम है कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर। सो चलिए अभी आपको अंदर से दिखाते हैं कैथेड्रल कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे फोटोग्राफी अंदर में अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर जाके बाहर आके फिर बताता हूँ कैसा है। सो गाइस ये कैथेड्रल से बाहर आ गए हम लोग, और अंदर से इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और टाइम की बात करें तो अभी हुआ है 1:30, और अभी हम लोग जा रहे हैं इस्माइलोवा पार्क। यहाँ पे है इस्माइलोवा क्रेमलिन, छोटा वाला क्रेमलिन आपको दिखाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे जैसे आप चलते रहते हैं यहाँ पे स्ट्रीट्स पे आपको दिखते हैं इस टाइप के बहुत सारे कैथेड्रल्स, ब्यूटीफुल कैथेड्रल,
थोड़े छोटे बट स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। और अभी हम मॉस्को मेट्रो लेके जा रहे हैं पार्थिनस्काय मेट्रो स्टेशन, जो कि एकदम नज़दीक है इस्मायलोवा पार्क के। और मॉस्को मेट्रो में मिलेंगे आपको बहुत सारे म्यूजिशियंस अपनी कला दिखाते हुए, जैसे कि सामने। पार्थिनस्काय मेट्रो स्टेशन से आप खाली 5 मिनट चलेंगे और आप पहुंच जाएंगे क्रेमलिन इस्मायलोवा पे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सामने में दिख रहा है, थोड़ा सा हमें चलना है सीधा और पहुंच जाएंगे वहाँ पे। एंटर करते ही जो दिखती है आपको ये है एक चर्च, और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं यूनिक खाने पीने की छोटा मोटा। सो गाइस ये बना रहे हैं ड्रिंक ग्लिंट वीन, दैट इज़ हॉट वाइन। सो अभी ट्राई आउट करने वाले हैं हॉट वाइन को। प्राइस है इसका यहाँ पे 250 रूबल्स। सो यू कैन सी हेयर इनसाइड लेमन, स्ट्रॉबेरी, इलायची, अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, सिनेमन। सो वी आर रेडी टू ट्राई। सो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। क्लासी, वेरी डिलीशियस। ये वाइन है विदाउट अल्कोहल। सिमिलर ऐसा यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको मिल रहा है वाइन, हॉट वाइन बट विद अल्कोहल। दिस इज़ विदाउट अल्कोहल। और इस्मायलोवा क्रेमलिन में है एक बहुत ही यूनिक म्यूज़ियम, ये जो देख रहे हैं रशियन में लिखा है म्यूज़ियम वोट की, और इंग्लिश में वोट का हिस्ट्री म्यूज़ियम। तो यहाँ म्यूज़ियम है वोटका के बारे में। तो अगर आपको वोटका में इंटरेस्ट है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का, स्पेशली रशिया के अलग अलग रीजन में जो जो वोटका पॉपुलर है वो यहाँ पे आपको मिल सकता है। यहाँ की टिकट है पर पर्सन 250 रूबल्स, और अगर आपको अंदर जाके वोटका ट्राई आउट करना है तो आपको पे करना पड़ेगा 250 रूबल्स। और सो गाइस यहाँ पे मिल रहा है ग्रिल चिकन वगैरह, तो अभी लेते हैं यहाँ पे। हॉट हॉट चिकन 1000 रुपये का, 500 ग्राम, बट टेस्ट इज़ गुड। सो देखिए ये है यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट टाइप की, और कितनी ठंडी हवा है, सब कुछ यहाँ पे उड़ रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। सो देखिए यहाँ पे आप सोवनीर वगैरह खरीद सकते हैं, शॉल हैं, ये सब सोवनीर की शॉप्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए एक्चुअल का भालू, दिस कैट, यहाँ पे बेच रहे हैं इसकी स्किन, कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं, गुड मटेरियल। इसका प्राइस है 70,000। ये बोल रहे हैं कि पूरा नेचुरल है, खाली टूथ नॉट नेचुरल, ओरिजिनल, ये बाद में डाले गए। तो ये आप खरीद सकते हैं, इसका प्राइस है 70,000 के आसपास। हाउ मच? दिस इज अराउंड 55-60,000 के आसपास। सो तो गाइज यहाँ पे कैप जो बेच रहे हैं ओरिजिनल एनिमल की, ये है रैबिट, रैबिट के स्किन की, तो इसका प्राइस है 1000। रेड फॉक्स, पोलर फॉक्स, तो हाउ मच प्राइस फॉर दिस? 3500। अभी टाइम हुआ है 3:30 एंड वी आर गोइंग टू अरबाज स्ट्रीट। अरबाज स्ट्रीट मॉस्को की सबसे पॉपुलर स्ट्रीट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रीट है। चलिए चलते हैं, अभी लेते हैं यहाँ से मेट्रो और चलते हैं मेट्रो स्टेशन अरबाज क्या। और यहाँ पे स्ट्रीट में आपको मिलेंगे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, अलग अलग देशों के रेस्टोरेंट, जैसे कि यहाँ पे है रेस्टोरेंट ताजमहल। ये है ताजमहल, तो ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, पहले हमने सोचा इंडियन है बट ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो आगे चल के हम आपको ले चलेंगे इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है इंडियन करी, जो कि इसी स्ट्रीट पे है। लोकेटेड
Indian restaurant. You can check, there's a lot of option. What you want? Eat. So guys, ये है इंडिश की कुक ने इंडियन करी. तो यहाँ पे हैं तो इंडियन फूड तो ट्राई आउट करना पड़ेगा. ये हैं गणेश भगवान. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इंडियन फूड कैसा है. कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं यहाँ पे अरबाज स्ट्रीट में. लेट्स गो. ये है चिकन टिक्का मसाला और ये है शाही पनीर और साथ में इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया राइस दोनों के साथ. एक है गार्लिक नान एंड एक है चीज नान. कैसा है खाना? डिलीशियस. तो देखिए यहाँ पे म्यूजिक स्टार्ट हो गया है अरबाज स्ट्रीट के बाहर. सो अभी टाइम हुआ है शाम के 6 बजे एंड नाउ वी आर गोइंग टू न्यू मॉस्को सिटी. ये एक बिजनेस एरिया है मॉस्को का जहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें हैं. तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस इंटरेस्टिंग प्लेस को. लेट्स गो. सो दोस्तों अभी हम आ गए हैं न्यू मॉस्को सिटी में. मेट्रो स्टेशन जो हमने लिया अभी दिल वो सेंटर. हवा बहुत ही तेज़ चल रही है अभी. तो देखिए हमें यहाँ पे ऑलरेडी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखना स्टार्ट हो गई हैं. और ये देखिए ये सबसे यूनिक बिल्डिंग है. इसकी शेप एकदम सांप की तरह है. अभी आगे चल के दिखाता हूँ आपको. और यहीं पे है मॉस्को सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग और यूरोप की सेकंड टॉलेस्ट जिसका नाम है फेडरेशन टावर्स. ये वाला टावर जो है दिस वन और ये दोनों फेडरेशन टावर हैं. बट ये वाला जो लंबा वाला है दिस इज़ द टॉलेस्ट टावर, टॉलेस्ट स्काईस्क्रेपर इन मॉस्को एंड सेकंड टॉलेस्ट इन यूरोप. इसका नाम है फेडरेशन टावर्स जहाँ पे आपको ये रशिया का फ्लैग दिख रहा है थोड़ा. उसके बाद इस बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे शूटिंग हुई थी पठान की और इसका नाम है मर्करी सिटी टावर. राइट, मर्करी सिटी टावर. सो यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जैसे आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी. और अभी ठंड बहुत है, हवा बहुत तेज चल रही है तो हम वापस जाएंगे. बट यहाँ पे देखिए आप स्नो पड़ी हुई है. बट गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी अच्छा एटमोसफेयर रहता है. काफ़ी लोग यहाँ बैठने के लिए आते हैं और इन्जॉय करते हैं. स्पेशली मॉस्को रिवर भी यहाँ नज़दीक में है तो आप यहाँ पे थोड़ा घूम सकते हैं. बाद में आप रिवर के किनारे जा सकते हैं. सो गाइज अभी टाइम हुआ है 7:30. तो अभी आपके पास ऑप्शन है, या तो आप रेस्ट कर सकते हैं या तो आप रात में एक बार वापस जा सकते हैं रेड स्क्वायर पे, क्योंकि रात में रेड स्क्वायर लाइट्स में बहुत ही अमेजिंग दिखता है. सो गाइज ये था हमारा एक दिन मॉस्को सिटी में. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दबाइए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. पक्का पक्का.